अरे अजय, तू कॉल क्यों कर रहा था मुझे बार बार यार? क्या काम है? अरे विनय, मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे कहीं पे जाना भी है, इसीलिए तुझे कॉल कर रहा था बार बार। ये देख, मेरा नौकर है, अच्छा है, लौंडा, काम में बहुत बहुत, पूछे मत, इतना काम करता है, पूछे मत, रात दिन काम करता है, एक मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखता है यार। अरे रानी का कॉल कैसे आया यार, इसे क्या काम हो गया? और बात करता हूँ। हेलो बेबी, मुझे यार थोड़े से पैसों की आवश्यकता है, दे सकते हो? अरे क्यों ना दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, साहब से मांगता हूँ, साहब जी थोड़े से पैसे चाहिए मुझे। अरे रामलाल, क्या करेगा पैसों से, अभी तो दिया था तुझे, और कपड़े वपड़े ये सब तू मेरे पहनता है, तुझे अपनी गाड़ी भी दे रखी है मैंने, क्या करेगा पैसों से? अरे साहब जी, आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़े पैसे चाहिए थे, 10,000 रुपये, इसीलिए मांग रहा था, वरना मुझे छोड़ देगी वो। चल ठीक है, तू जा और काम कर, मैं तुझे देता हूँ। अरे यार विनय, ये क्या हो गया? मुझे लगता है यार कोई ना कोई लौंडी ऐसे फंसा रही है। अरे हाँ ब्रो, तू सही बोल रहा है, कोई ना कोई लौंडी ऐसे फंसा रही है। अरे विनय, इस लौंडिया को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे नौकर को, इतना अच्छा लौंडा है ये, रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता है, मुझे लगता है वो ही लौंडिया ऐसे लूट रही है, तो ऐसा करते हैं, तू कल आना और उसे सबक सिखाएंगे, मैं जानता हूँ उस लौंडिया को, ठीक है? अरे यार अभी मैं इसे बुलाता हूँ। रामलाल, हे रामलाल, अरे इधर आ रहे रामलाल। अरे आवाज़ नहीं सुनता यार, कहाँ गया तू? ये भी यार रामलाल क्या है, इधर आ रामलाल, मेरी बात सुन, ये तेरे कपड़े ना कल मुझे दे देना, ठीक है? अरे साहब जी, मेरे कपड़े पहन के आप क्या करोगे? अरे कल मैं एक लौंडिया से मिलने जा रहा हूँ, अपने प्यार में फंसाने जा रहा हूँ, तो भी काम कर। अरे विनय आ गया तू, चल यार चलते हैं, उस लौंडिया को, साली अपने गरीब नौकर को लूटती है। मैं अपने नौकर को तुझे पता है कैसे रखता हूँ, जैसे मैं रहता ना उस तरह रखता हूँ। अरे भाई तू तो सही बोल रहा है, तू अपने नौकर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। अरे हाँ हाँ क्यों ना, मैं अपने नौकर को बहुत प्यार करता हूँ, पर देख कैसे कपड़े लग रहे हैं, नौकर के कपड़े पहन रखा हूँ, उस लौंडिया को देखते हैं हमारे प्यार में फंसती है क्या, गरीब के कपड़े देख के। ए रामलाल, अरे सुन। अरे हाँ साहब जी, क्या हुआ? और साहब जी आज मेरे कपड़े कैसे पहन रखे हो साहब जी? अरे साहब जी, इतने अमीर होके भी तुम लौंडिया को पुराने कपड़ों में पहन के जा रहे हो पटाने के लिए। अरे रामलाल, अगर मैं अमीर शहजादा अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा ना, तो लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी, मेरे पैसों से प्यार करेगी, तो हम इसलिए जा रहे हैं गरीब बन के लड़की को प्रपोज करेंगे और देखेंगे वो कैसा हमारे साथ बर्ताव करती है, ठीक है? तू नहीं समझेगा इस बात को, तू गरीब है, तू नहीं समझेगा, ठीक है? और तेरी से गर्लफ्रेंड है, उसे पैसे दे देना तू, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं और लौंडिया को पटा के वापस आते हैं, तो अपने काम में काम रख और ध्यान रखना घर का। जी सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे, ठीक है सेठ जी, बाय बाय, जल्दी लौटना। अरे चल चल यार, अपन लेट हो जाएंगे यार। अरे विनय गाड़ी चला यार, विनय जल्दी से तू गाड़ी चला, मैं पीछे बैठता हूँ आज, क्योंकि गरीब हूँ ना यार, गरीब बन के जा रहा हूँ ना आज लौंडिया के लिए। अरे विनय, हम इस रामलाल को भी तो बता सकते थे कि वो लड़की से पैसा खा रही है। अरे नहीं नहीं यार विनय, वो मानेगा नहीं यार, गरीब है ना, इसलिए उसे बताना चाहता हूँ मैं सामने से। ए रानी, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है यार, तुझे गाड़ी दिला दी उसने। अरे क्या करूँ, बॉयफ्रेंड को फंसाना पड़ता है साले को, वैसे कैसे गाड़ी दिलाए? ले विनय, आ चुके हैं हम, साली लौंडिया यही है, बर्बाद करती, तूने गाड़ी को पटक दी यार, क्या लौंडिया से सेटिंग करा दूँ क्या इसकी? साले गाड़ी को तो संभाल अपनी, मैं बात करके आता हूँ, तू यही रुकना, ठीक है? ठीक है जल्दी आना, इंतजार करता हूँ मैं तेरा, आराम से। हेलो रानी, आई लव यू रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। अरे किरण देख, साले भिखारी कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं यार, साले इसकी स्थिति देख, मेरी स्थिति देख, साले तेरे जैसे को ऐसे पैसे लुटाती हूँ मैं। भैंचो तुझे पता नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड के पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी है साले, ले चूती है, तू मेरे सामने मुझसे दोस्ती करेगा तू साले, तेरी औकात देख और ये फूल मत दे। अरे रानी, मैंने तो सुना है कि तू जिसके पास पैसा होता तो उसकी उसी से प्यार कर लेती है। अरे हाँ तू सही सुना, पर तेरे पास पैसा नहीं है, मुझे लगता है गुलाब का फूल भी कहीं से चुरा के लेके आ गया, और इस देख फटीचर को देख साले, मेरे जूते साफ करने के लायक नहीं है, हंस क्यों रहा है साले चूती है। अरे साली, जहाँ तेरी सोच खत्म होती है वही मेरी दोस्त की सोच शुरू होती है।
अरे विनय विनय शांत शांत यार, तू यार लड़ मत इनसे, मैं बात करता हूँ। ए रानी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यार, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही है? अरे चल चल साले गरीब, तेरे जैसे कि मैं परछाई भी नहीं पड़ने देती हूँ, अपने ऊपर पैसा हो तब आना। अरे विनय गाड़ी चला जल्दी, लौंडिया का पीछा करते हैं। ए लौंडिया रुक साली, रुक रुक इधर ही रुक साली, दौड़ के आ गए। तुझे बोल रहा हूँ ना, मेरे से शादी कर ले, मैं उससे प्यार कर ले, तू पैसा नहीं है तो क्या हुआ गाड़ी से? अरे विनय रोक गाड़ी रोक, मैं यहीं से बात करता हूँ साली से। अरे तुझे पता नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत तगड़ा आदमी है और मैं जिसके पास पैसा होती है ना उससे ही प्यार करती हूँ। कल आ जाना, उसी जगह मेरे बॉयफ्रेंड को लेके आऊँगी। अरे विनय कल वापस आएंगे ठीक है, और रामलाल भी आएगा, ये कॉल करेगी जरूर उसे। अरे भाई तेरा रामलाल अभी तक आया नहीं है क्या? तू तो बोल रहा था कि वो कॉल करेगी। अरे हाँ विनय, अभी रुक, दो मिनट रुक, अभी रामलाल आने वाला ही होगा, बात करेगा हमसे, देखना। साहब जी मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ले मेरे की गाड़ी चाहिए आपकी मुझे। अरे ठीक है रामलाल, आज तो तगड़े कपड़े भी पहन रखे हैं, बालों में तूने कलर भी करवा रखा है, बहुत अच्छा है रामलाल, जल्दी जा और गर्लफ्रेंड से अच्छी तरीके से मिल के आना ठीक है, और गाड़ी को अच्छी तरीके से लेके जाना है तुझे, वरना कहीं ठुक मत जाना, हम भी आ रहे तुम्हारे साथ, तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं हम इसीलिए ठीक है। जी साहब जी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के वापस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में चलता हूँ। देखा विनय, बोला था ना मैंने, साली लौंडिया कॉल करेगी, इसे बर्बाद करके रख दिया गरीब को, इतने तब से मैं सोच रहा था यार इसकी स्थिति क्यों खराब हो रखी है, उसने खराब की है, पर मैं अपने नौकर को इसे झुकने नहीं दूंगा, चल मेरे साथ आज उसे सबक बताते हैं, जल्दी चल वरना लूट लेगी ये जितने पैसे है उसे भी, जल्दी चला यार विनय, गाड़ी लूट लेगी साली, निकल जाएगी वहां से। अरे रानी क्या हुआ यार, तूने क्यों बुलाया मुझे? और ये ले तू पैसे मांग रही थी ना 8,000, ये ले तेरे पे बारिश कर देता हूँ मैं पैसों की। अरे मैंने तुझे बताया था कि वो दो लौंडे परेशान करते, आज आने वाले हैं यहीं पे। अरे देख लौंडिया साली, रामलाल ही है वो, देख अपना गाड़ी भी खड़ी है, चल चल उतरते हैं। देखो वो आगे। अरे चल विनय यार बात करते हैं इनसे। अरे रामलाल तू। अरे साहब जी आप यहाँ क्या? साहब जी मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दो, साहब जी मुझसे माफ कर दो मुझे। अरे रामलाल तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये लौंडिया साली तुझे बर्बाद करके रख दिए, मुझे जैसे पता पड़ा था कि इसे पैसे चाहिए, मैंने कल तैसे पता किया था कि इसे पैसे चाहिए, तो मैं आया था और इसे बोल रहा था फ्रेंडशिप के लिए, तो इसने मुझे बोला तेरे पास पैसा हो तब आना, और ये बहुत बिगड़ी हुई लौंडिया साली दो नंबर का धंधा करती है, तुझे बर्बाद कर दिया है, इसे छोड़ दे रामलाल, यही हकीकत बताने के लिए तुझे यहाँ लेके आया हूँ, तू मेरा नौकर है पर मैं तुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। हे रानी तू मेरे साथ धोखा कर रही है, मुझे पता नहीं था तू ऐसा धोखा कर रही है मेरे साथ। अरे बेबी ये झूठ बोल रहे हैं, बेबी ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी दोस्ती तोड़ाना चाहते हैं। नहीं मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, मुझे नीचे ऐसी लौंडिया बर्बाद करके रख दी तूने मुझे, ठीक है चलता हूँ बाय बाय, अब पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ, मैं अपने मालिक के घर पे जा रहा हूँ, कोई भी नहीं है साली के लात लगा के, मुझे नीचे साली लौंडिया ऐसी। अरे रामलाल तू ऐसा कर, तू चल हम निपट के आते हैं इससे ठीक है, ऐसी लौंडिया से साली गरीबों आदमी को ठगती है, उनके साथ रहने का नाटक करती है, दो टाइम सोने के पैसे लेती है, तू चल रामलाल अब तुझे कोई भी नहीं रोने देगा, और नहीं तू किसी से पैसे ले सकती है सारी लौंडिया। अरे साहब जी मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे पता नहीं था पैसे हो, आज बड़े आदमी हो। ए रानी अब तेरे लिए माफी की जगह भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि मुझे पता था मेरा नौकर कितना है, मेरे पिताजी ने उसे बचपन से पाला है, इसीलिए मैंने उसके लिए जान दांव पे लगा दी, चलता हूँ ठीक है, चल विनय गाड़ी चला। ए साहब जी रोको साहब जी, माफ़ कर दो साहब जी मुझे, साहब जी माफ़ कर दो, गलती आई दस ऐसी गलती नहीं होगी साहब जी, मुझे छोड़ के मत जाओ साहब जी। तुझे छोड़ के क्या ना जाओ, तुझे कुत्ते भी नहीं खाएंगे लौंडे, कितने लोगों को बर्बाद किया, किसी से कपड़े किसी से गाड़ी, चलता हूँ, और आयदा से मिल गई ना रस्ते पे यही गोली ठोक दूंगा अगर किसी लौंडे को फंसाया तो, साली तेरी जैसी लौंडिया ऐसे बर्बाद कर देती है लड़के को, यहाँ ये बात नहीं है कहीं कहीं लड़के भी बर्बाद करते हैं। अरे साहब जी छोड़ के मत जाओ साहब जी, ए साहब जी सुनो,